अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्लाह का मैं ठीक ठाक हूँ। और 3 दिन के बाद आपको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। 15 दिन ब्लॉग डेली आए हैं और मैं डेली ब्लॉग बनाता रहा हूँ। 15 दिन कोई एक आधे ब्लॉग में एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग बना होगा, वरना मैं डेली ब्लॉग बनाता रहा हूँ पूरे 14 दिन। तो ये 14 दिन मैं सही से सोया भी नहीं। मेरे जहन में बस एक ही बात घूम रही थी 24 घंटे, ब्लॉग्स। तो इसलिए मैंने पूरा 3 दिन की रेस्ट ली। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग्स बनाने का, इसलिए मैंने सोचा कि 3 दिन रेस्ट ले लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कुछ आजकल दुकान पे काम भी बिल्कुल नहीं है, इस वजह से मैं दुकान पे भी नहीं जा रहा। तीन चार दिन से मैं घर पे ही हूँ। अब फिर व्लॉग दोबारा से कंटिन्यू होंगे, लेकिन अब व्लॉग्स डेली नहीं आएंगे। अब हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन मैं व्लॉग बनाया करूँगा। मतलब हफ्ते में 2 व्लॉग्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्लॉग्स आ सकते हैं। फिलहाल इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे और सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे। तो मैंने एक एम रखा है अपने लिए, ताकि मैं डिसपॉइंटेड ना हूँ। अगर आप YouTube स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये रख सकते हैं कि मैंने 100 वीडियोज़ बनानी है, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। चाहे मुझे कोई रिस्पॉन्स आए या सब्सक्राइबर आए या ना आए, मैं लगातार कंटिन्यू वीडियोस बनाता रहूँगा। मैंने गोल ये रखा है कि 100 वीडियोस तक मेरे 1K सब्सक्राइबर्स तो मस्ट हो जाने चाहिए। 100 वीडियो में अगर 1K सब्सक्राइबर होते हैं तो आपका भाई ओके, नो टेंशन, वीडियोस आती रहेंगी। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। मैंने अहमद भाई के घर जाना है, उन्होंने नया घर लिया है तो उन्होंने सबको पार्टी दिया, तो अभी अहमद भाई के घर जाना है। अहमद भाई अगर आप देख रहे हो तो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं नईम भाई और फहद भाई के साथ कहीं गया था तो मैं लेट हो गया हूँ। तो इंशाल्लाह बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आपके घर। प्लीज़ नाराज़ ना होना यार, आप मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हो, मुझे पता है 5 मिस कॉल्स अभी आ गई हैं वीडियोज़ बनाते बनाते, और इससे पहले पता नहीं कितनी आई हैं। बस अहमद भाई मैं अहमद भाई की कॉल पे कॉल आ रही है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लेट मैं ही हूँ, बाकी सारे पहुँच गए हूँ। ये अहमद भाई आ गए। अहमद भाई यार बस माजरत कर सकता हूँ मैं आपसे? और अहमद भाई ठीक है? फहद भाई खाना मांग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की है, तू पैकबुक भी करके दे दो, दे ही देगा पैक। क्या चीज खाना यार? भाई को मैंने 10,000 भी दिया था। शॉपर लेके आए हो? वो यार वो मेरी मिठाई वाला। थैंक यू यार आपने। अल्लाह हाफिज़।